नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे अभी तक के 8 शिफ्टों में एसबीआई क्लर्क के प्री के एग्जाम में। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में काफ़ी कुछ चेंज देखने के लिए मिला हर एक शिफ्ट में एसबीआई क्लर्क के प्री एग्जाम में। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक आए थे एसबीआई क्लर्क के प्री एग्जाम में। तो पहला टॉपिक था नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज। कुछ शिफ्ट में नंबर सीरीज आए थे, मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज, ये दोनों पाँच नंबर के आए थे। उसके बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 क्वेश्चन, डेटा सफिशेंसी 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन, DI डेटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब DI कुछ भी आ सकता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, डेटा टेबल, मिसिंग DI, कुछ भी DI आ सकता है। तो आपको DI जैसा भी आए आपको तैयार रहना होगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, SICI, मेंसुरेशन, मिसलेनियस से 10 क्वेश्चन आ रहे थे, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। आपका आप कोशिश ये होना चाहिए कि जो टोटल अटेम्प्ट होना चाहिए कम से कम 25 क्वेश्चन का होना चाहिए। अगर 25 प्लस आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप मैथ्स में ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा कुछ पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, लगभग आसान क्वेश्चन ही आए थे। आप लोग सब चाहे तो आसानी से इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक आया था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हर एक शिफ्ट में लगभग आया था और 5 क्वेश्चन आ ही रहे इसके। स्पेलिंग एरर कुछ शिफ्ट में आ रहे हैं, कुछ शिफ्ट में नहीं आ रहे, फिर भी आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रेजेज रिप्लेसमेंट 5 क्वेश्चन, ये आने का ज़्यादा चांस है। फिलर सिंगल फिलर भी आने का चांस है, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी शिफ्ट में 5 नंबर पूछा गया, किसी शिफ्ट में 10 नंबर। उसके बाद एरर डिटेक्शन 10 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश में जो गुड अटेम्प्ट आपका होना चाहिए 18 से 20 बिल्कुल सही अटेम्प्ट होना चाहिए। आप अटेम्प्ट कितना भी कीजिए पर आपका मार्क्स 18 से 20 आना चाहिए इंग्लिश में। अब दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 8 शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे एसबीआई क्लर्क के प्री के एग्जाम में। तो टॉपिक को सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी से 5 क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज से 5 क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज से 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सीरीज से 5 क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलोलिज में अभी तक पूछा नहीं गया एसबीआई क्लर्क या प्री के एग्जाम में, किसी भी एसबीआई के एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया सेलोलिज में, प्री के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो उसको भी आप तैयार अच्छे से कर लीजिए। अब आपको बनाना कैसे है, अगर आपका 30 तारीख को एग्जाम है तो आपको सॉल्व कैसे करना है रीजनिंग को। तो सबसे पहले आपके पास जो भी आसान क्वेश्चन है पहले उसको बनाइए, सबसे लास्ट में टाइम बचता है तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से 1 या 2 क्वेश्चन बना लीजिए, यानी 10 नंबर या 5 नंबर आपका कवर हो जाएगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से। तो रीजनिंग जो है वो आसान है, कोशिश करना आपको कि 23 से 25 तक अटेम्प्ट करने का। अगर 23 से 25 आपका अटेम्प्ट हो जाता है सही तो आप एक सिक्योर जोन में जा सकते हैं। और बात करते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कैसे आ रहे हैं। तो पजल 2 वेरिएबल का फ्लोर बेस्ड पजल आ रहा है और सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर भी आ सकता है, स्क्वायर टेबल भी आ सकता है। जो ज़्यादातर आ रहा है वो नॉर्थ साउथ सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। कभी 10 आदमी को, कभी 8 आदमी को, कितने भी आदमी को बैठाने के लिए यहाँ दिया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। तो गुड अटेम्प्ट आपका 65 प्लस होना चाहिए। अगर 65 प्लस आप विथ एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा और प्री एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं।